पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। ऐसा है कि ट्रेलर जब हमने भी देखी तो हम भी बड़े एक्साइटेड हो गए थे, एंड हमने एक्चुअली फिल्म भी देखी हुई है, तो गारंटी है कि इससे 100 गुना ज़्यादा बेहतर है फिल्म। अरे 1 जून को आ रही थी हमारी पिक्चर फेमस, और ट्रेलर को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। जिन्होंने नहीं देखा है, हम रिक्वेस्ट करेंगे भाई ट्रेलर ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ट्रेलर ही देख के लोग अपना मन बनाते हैं कि ये फिल्म हमने देखनी है कि नहीं देखनी है। तो अगर आपने ट्रेलर नहीं देखा है तो सबसे पहले आप प्लीज़ वो ट्रेलर देखिए, तो आपको फील मिल जाएगी फिल्म किस टाइप की। वही बात, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, ट्रेलर पसंद किया जा रहा है, यूथ काफ़ी एक्साइटेड है। मुझे दिल्ली से DU JNU के बच्चे रोज़ मैसेज करते हैं कि बड़ा धमाल है। तो फिल्म भी उतनी ही अच्छी है, 1 जून को आ रही है, फेमस बनना है तो फेमस देखो। देखिए अब क्या है ना, आदमी की एक प्रवृत्ति होती है, हर कोई फेमस होना चाहता है अपने मोहल्ले में, अपने घर में, अपने सोसाइटी में, तो उन्हीं कुछ फेमस होने वाले लोगों की कहानी है। मेरा ऑलरेडी फेमस किरदार है। हाँ, कि आदमी जब फेमस हो जाता है तो क्या करता है, वो मैं कर रहा हूँ, और जो फेमस होना चाहता है वो जिमी सर कर रहे हैं। कि और फेमस होने के बाद कितना सही कितना गलत करते हैं, या किस तरीके से आपको फेमस होना है, उसी की कहानी है। बिल्कुल, फेमस होने के बाद उसे बरकरार रखना ये बड़ा मतलब खेल है, वो इस किरदार का काम है। फेमस बनना चाहता है, उसी का सारा खेल है उसमें, और बंदूक जो है उसका भी एक खेल है तगड़ा। हाँ, मेरा ये मानना है कि जितनी चंबल वहाँ जा जो जो शूट हुई है फिल्म वो हिट होती है, तो हमारी तो डेफिनेटली हिट हो रही है। उसके अलावा आपको चंबल का एक कंप्लीट फील मिल जाएगा इस फिल्म को देख करके, वहाँ का वहाँ की जो आबो हवा है, वहाँ के सुगंध है, जहाँ का वहाँ की मिट्टी है, उसका आपको एहसास मिल जाएगा इस फिल्म के ज़रिए। वहीं चंबल भी एक किरदार है फिल्म के अंदर, और इतना खूबसूरत लैंडस्केप है जो बीहड़ हैं, सुनने में बड़ा अच्छा साउंड होता है बीहड़, तो ये कहानी वहीं सेट हो सकती थी, और कुछ दूसरे लैंडस्केप की कहानी नहीं है। तो जितने हम किरदार हैं उतने ही चंबल भी किरदार है इस कहानी का, और इतना खूबसूरत लैंडस्केप है सिनेमा में कम ही दोस्त तीसरी बार दिख रहा है। ये भी रियलिस्टिक फिल्म है, तो हम लोग की ही टाइप की फिल्म थी, इसीलिए फिल्म को किया है। मगर एक जैसा ट्रेलर में आपको नज़र आ रहा है कि मज़ा आएगा आपको डायलॉग्स सुन के और एक्शन देख के, ड्रामा इमोशन एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस फिल्म के अंदर, तो चाहे वो इनकी तरफ का इमोशन हो, हमारी तरफ का इमोशन हो, लड़की की तरफ का हो, या फिर इनका जो इमोशन नज़र आ रहा है फिल्म में, सो इमोशनली ऑल्सो इट्स क्वाइट अ पैक्ड फिल्म। इस फिल्म के अंदर ना बात एकदम सीधी भी नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है कहानी में, जो एक्चुअली मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा। सीधी सीधी कहानी अगर हो तो फिर वो थोड़ा बोरिंग हो जाता, तो हमने कोशिश भी की है उसकी जितनी भी इंट्रिकसीज हैं उसको अच्छे से पिरो के आपके सामने पेश करें। बस वही भावनाओं का खेल है, सब भावनाओं के बीहड़ में इधर उधर घूम रहे हैं। बहुत लेयर्ड है, बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं, रंग बिरंगे हैं, तो मज़ा आएगा, हमें करते हुए मज़ा आया, उम्मीद है कि लोगों को देखते हुए भी उतना ही आनंद आना चाहिए। हम तो पूरा उम्मीद करते हैं खूब जम के कमाई हो, ताकि हमारे राज खत्री साहब अगली फिल्म तुरंत शुरू कर दें। फिल्में बनती ही हैं चलने के लिए, घर में थोड़ी रखना है, लोग देखें पसंद करें, और हमारी उम्मीद है कि पसंद करेंगे लोग, खूब चलेगी। मुझे तो लगता है खूब चलेगी, और क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है ना कि एक तरह से इस तरह का जो हमने जो हॉलीवुड में देखा हुआ है, वाइल्ड वेस्टर्न, वाइल्ड ईस्ट सही मायने में हमने दिखाया नहीं है,
जैसा पंकज ने कहा कि एक किरदार है चंबल भी इस फिल्म के अंदर, वैसा उसको पेश करना मेरे ख्याल से अभी तक शायद नहीं हुआ, तो इसलिए बहुत ही यूनिक है ये फिल्म। तो आप ये कहना चाहेंगे रिकॉर्ड टूटेंगे? अब रिकॉर्ड वगैरह का हमको पता नहीं, हम तो सिर्फ बैटिंग करते हैं, है ना, वो रिकॉर्ड बनते जाएंगे जो भी बनना है। ट्रेलर जिस तरीके से लोगों को पसंद आया, और जो क्या होता है, एक तो होता है सिर्फ हिट्स का चक्कर, और एक होता है कि जब लोगों ने जो लिखा होता है, जब आप उसको पढ़ते हो और वो बोलते हैं कि ये ऐसी लग रही है, ये थोड़ी टैरेंटिनो टाइप की फिल्म लग रही है, या फिर ये थोड़ी काउबॉय वेस्टर्न वैसी लग रही है, इसकी फील आ रही है, ये तो देखनी पड़ी, तो ऐसी चीज़ें जब लोग इंटरेस्टिंग चीज़ें बोलते हैं, तो इसका मतलब आपको ये समझ में आता है कि यार जो इंटेंशन थी हमारी कुछ अलग करने की, वो चीज़ कहीं ना कहीं इन लोगों तक, जो ऑडियंस जो है, जो इतनी इंटेलिजेंट है, उन तक पहुंच रही है। और मैं यही कहूँगा कि अगर ट्रेलर लोगों को पसंद आया इस लेवल पे, तो ये फिल्म तो धमाकेदार पसंद आएगी, क्योंकि फिल्म ट्रेलर से बहुत ज़्यादा बेहतर है। अरे यार, अब इतनी आंधियाँ देखी हैं ज़िंदगी में कि अब क्या नर्वसनेस, क्या ये देख ली हैं, 22-23 साल हो गए हैं फिर भी खड़े हुए हैं, अब आती हैं आंधियाँ, आने दो, देखा जाएगा। नर्वसनेस तो मेरी डिक्शनरी में है नहीं वैसे, हम एग्ज़ाम हमेशा अच्छा देते हैं, उसके बाद अगर रिजल्ट में किसी को घपला करना तो अलग बात है, बट हमको कोई चिंता नहीं रहती है उसके बारे में। नहीं नहीं, कोई नर्वसनेस नहीं, हम चाहते हैं दो, हर अलग अलग किस्म की फिल्में होती हैं, विजय द वेडिंग एक अलग ऑडियंस की, अलग टेस्ट की फिल्म है, हम चाहते हैं वो भी खूब कमाई करे, फेमस भी खूब कमाई करे, और भी जो दो तीन आ रही हों उस दिन सब कमाई करें। करण सर के साथ काम करें, एक्सपीरियंस कैसा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करण बहुत ही प्रोग्रेसिव, बहुत ही इंटेलिजेंट यंग स्टोरी टेलर हैं, तो एक नया नज़रिया है उनके पास जो फिल्म में दिखेगी, कि अपने तरीके से फिल्म बनाई है, जिस तरीके से कहानी को कहना चाहते हैं, जैसा हमें गाइड किया हमने फॉलो किया, उनका कैप्टन तो वही है। एक तो उनके अंदर एक अलग किस्म की मस्ती है, वो चेहरे पे आंखों में दिख जाती है जब आपको एक्सप्लेन कर रहा होता है, तो वो मस्ती जो है ना, वो थोड़ा सा ब्लैक ह्यूमर, डार्क ह्यूमर में काफ़ी अच्छा कर लेते हैं करण। उस वजह से इस फिल्म के अंदर ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही हमने एक ही स्ट्रिंग पकड़ करके उस पूरे धुन को बनाया, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो ब्लैक ह्यूमर में इंडल्ज करते हैं, तो ऐसी सारी चीज़ें हैं, इसलिए जैसे जिमी ने कहा कि टैरेंटिनोइश भी है और वेस्टर्न भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, उस वजह से ये संपूर्ण तरह से एक पूरा एंटरटेनमेंट आपको मिल जाएगा। करण का अपना स्टाइल है, आई थिंक उसका, या चाहे वो शॉट टेकिंग हो, चाहे प्रॉपर फिल्म मेकिंग की बात कर लें, वो उसका एक अपना स्टाइल है, और जो ये फिल्म जो है फिल्म में निकल के आएगा, तो वो उसकी यूनिक चीज़ है जो लोग नोटिस करेंगे 100%। जब मल्टीपल कास्टेड फिल्म होती है तो सेट्स पे बड़ा ही बहुत बड़ा अच्छा माहौल होता है, क्या यादें रही, क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में, क्या कुछ कहना चाहिए? एक तो ठंड थी, नवंबर दिसंबर में हम लोग शूट कर रहे थे, कहीं ना कहीं हम लोग लकी भी थे, क्योंकि नॉर्मली नवंबर में फॉग शुरू हो जाती है बिगिनिंग दिसंबर में, हमारा स्केड्यूल ख़त्म हो रहा था और आज रात को हमारा ख़त्म हुआ और आज रात से फॉग शुरू हुई, तो कहीं ना कहीं किसी का हाथ था फिल्म के ऊपर कि स्मूथली इतनी ठंड में जो है वो सुबह 7 बजे से लेके रात के 10-11 बजे तक हम लोग आराम से शूट करते थे वहाँ पे, और काफ़ी वॉलेटाइल जगह है, वहाँ पर भी हम लोग जो है आराम से शूट करके आ गए, तो मुझे लगता है किसी का तो हाथ होगा ऊपर। जहाँ तक एक्सपीरियंस का सवाल है, मैंने कभी चंबल की तरफ कभी गया ही नहीं, तो मुझे बड़ा इंट्रिगिंग लगा, वो जगह बहुत यूनिक जगह है, और वहाँ जाते हैं तो लगता है कि कुछ इतिहास तो है इस जगह के अंदर, इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग टू गो देयर एंड शूट, तो एंड प्लस वहाँ के लोग भी बड़े यूनिक हैं, मूछें, बंदूक, ये सारी चीज़ें आम होती हैं वहाँ पे, वैसा मैंने कभी देखा नहीं था अपने लाइफ में, तो मेरे लिए बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस रहा शूटिंग करते हुए, प्लस ऐसे दोस्त अगर मिल जाए तो फिर तो जिमी और पंकज जो है, हमने बहुत धमाल किया है, अब धमाल जो है क्या है मत पूछिएगा, वो हम बता नहीं सकते, लेकिन किया हमने बस। बहुत याद है, एक तो चंबल नदी जो है ना, हिंदुस्तान की सबसे साफ सुथरी नदी है, तो वो तो फिल्म के साथ साथ लोगों को नदी देखने भी जाना चाहिए, बड़ी खूबसूरत नदी है चंबल, दोनों किनारे उसके, उसमें दो रेलवे का पुल है पुराना, तो हम लोग तो बोटिंग करने जाते थे,
लैंडस्केप खूबसूरत है, लोग बेहतरीन हैं, खाने बड़े अच्छे हैं वहाँ पे। एक रियाज का ढाबा था हाईवे पे, बहुत बढ़िया खाना खिलाते हैं वो। बहुत सारी यादें हैं वहाँ की। अब चंबल हमारे अंदर भी है, पहले हम दूर से देखते थे, हम अब रह के जी के आए हैं चंबल को। फिल्म के लिए खास दो वजह बताइए कि ऑडियंस क्यों जाए फिल्म देखने। मनोरंजन पहली वजह है और दूसरी वजह भी मनोरंजन ही है। बिल्कुल होलसम एंटरटेनमेंट प्लस गुड सिनेमा साथ में, सिर्फ ऐसे नहीं और बहुत बहुत अच्छी कहानी भी है, तो एम्पल रीजंस। इतना सोचिए मत, जाइए फिल्म देखिए, एंजॉय कीजिए, और आई एम श्योर जिन्होंने ट्रेलर देखा है वो तो डेफिनेटली जाएंगे। एक तारीख को आ रही है हमारी फिल्म फेमस, और प्लीज़ जाइए और देखिए, एंजॉय कीजिए फिल्म। बस वही एक तारीख को आप एक काम करना, जल्दी से एडवांस बुकिंग कर लेना, क्योंकि टिकटें मिलेंगी नहीं, तो आप प्लीज़ पहले से कर लेना, क्योंकि ये फिल्म डेफिनेटली मतलब बहुत अच्छी लगेगी लोगों को। वही 1 जून को फेमस आ रही है, एक दुनिया क्रिएट किया है करण भुटानी ने, हम अभिनेताओं के संग मिल के, जैकी दा नहीं है, सुरैया नहीं है, पूरी टीम है बड़ी, और भी बहुत सारे अभिनेता हैं, तो एक दुनिया क्रिएट की गई है, आप देखिए वो दुनिया, हो सकता है रंग बिरंगी है, पसंद आए। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शुक्रिया दोस्तों।